सोनिया गांधी की राजनीति में हुई ऑफिशियल एंट्री। वायनाड से डेब्यू कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा, 17 की उम्र में किया था पहला चुनावी कैंपेन। 2019 के चुनाव प्रचार में पहली बार जनता के सामने आई। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रियंका गांधी के रूप में नेहरू गांधी परिवार से एक और चेहरे की चुनावी राजनीति में एंट्री हो गई है। जी हाँ, प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार से चुनावी राजनीति में उतरने वाली 10वीं सदस्य हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। साउथ की बात करें तो वह दक्षिण के रास्ते चुनावी सफर शुरू करने वाली इस परिवार की दूसरी सदस्य है। प्रियंका से पहले उनकी माँ सोनिया गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़कर राजनीति में एंट्री ली थी, जिसमें एक सीट दक्षिण भारत के कर्नाटक की बेल्लारी भी थी। वहीं एक लंबे अरसे तक पर्दे के पीछे से राजनीति कर रही प्रियंका गांधी अब पूरी तरह राजनीति का हिस्सा हो गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पहली बार जनता के सामने आई प्रियंका ने अपना चुनावी डेब्यू कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने 2 सीटों रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने रायबरेली सीट को चुना और अब वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू कर रही हैं, जहां बीते दिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वह इस दौरान प्रियंका ने अपने भाई व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कालपेटा स्थित नए बस स्टैंड से रोड शो का नेतृत्व किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के संगठन से लेकर चुनावी रणनीति में अहम रोल अदा कर रही प्रियंका गांधी चुनावी रणनीति में कब उतरेंगी, इसको लेकर दशकों से इंतजार था, जिस पर अब विराम लग गया है। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूं तो 35 सालों से राजनीति में हैं, लेकिन वो पहले पर्दे के पीछे से ही राजनीति करती थी। 1999 में अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए प्रचार से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में उन्हें पार्टी के पदों पर नियुक्त भी किया गया। हालांकि प्रियंका गांधी को राजनीति में ज्यादा सफलता नहीं मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका खुलकर मंचों पर आ गई। प्रियंका का राजनीति में खुलकर सामने आना कांग्रेस को मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, लेकिन नतीजों ने ऐसा कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद यूपी विधानसभा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक बार फिर नई जान फूंक दी है। हालांकि प्रियंका गांधी जो अभी तक उत्तर भारत की राजनीति से जुड़ी हुई थी, उनको दक्षिण में ला दिया है। केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को लगभग विजेता माना जा रहा है। अगर वो जीत जाती हैं तो गांधी परिवार के मौजूदा समय के 3 सदस्य संसद में होंगे। देखा जाए तो अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती हैं तो वह अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को और अच्छी तरह से घेर सकती है। वायनाड उनके लिए आसान सीट साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी यहां काफी लोकप्रिय साबित हुए हैं। बहरहाल वायनाड से प्रियंका गांधी के जीत कर लोकसभा में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगर वो लोकसभा सांसद बनती हैं तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों में और हौसला भरेगा। दूसरी ओर प्रियंका गांधी संसद में अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की बेहतर रणनीति भी बना सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।